तोड़ोगे सारा कुछ तोड़ोगे क्या कर रहे हो ओए यार ओ देखो 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 अच्छा इसको गाइस कहते हैं टग ऑफ वॉर। ये रस्सा कशी वाली इनकी गेम होती है जो कर रहे हैं। नहीं क्या करबला से आते हैं ये इराक से। इराक से ये पाकिस्तान की कोई भी म्यूटेशन नहीं है इसके अंदर। ये सारी बॉर्डर से क्रॉस होती है। पक्का जो मर्जी पसंद कर लो देख लो मैंने उठा लेने। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतरीन होंगे। मुझे इसकी नहीं समझ आती ये चूजड़ी की जो बड़ी वाली बेगम है ना ये अंडा देके क्या करती है चूजड़ी की ना टांगों के बीच में घुस जाती है। अभी भी घुसी हुई थी। खैर अंडा दिया हुआ है इन्होंने गाइस ये जरा जल्दी जल्दी ना हम निकाल लेते हैं साइड पर। ओए गंदे नहीं गंदे मारो नहीं यार अंडा ले रहा हूँ भाई क्या हो गया आपको। अच्छा जी और ये और अंडे आए हैं गाइस चार अंडे चूजड़ी की भाई सही एवरेज आ रही है चौखे अंडे दे रहा है आज का। अच्छा जी जैकी क्या कर रहे हो। मेरा यार गला फुल ऑफ हुआ है गला इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है ना ये स्मोक की वजह से। तो यार अपनी प्रोटेक्शन लाजमी किया करो भैया मास्क वगैरह लगा के बाहर निकला करो। कल हम सारा दिन बाहर रहे और यार मेरे गले का बेड़ा गर्क हो गया पर इनको रखते हैं अंदर। ये देखो जी और अंडे आ गए काफ़ी सारे एग्जी आ रहे हैं हमारे पास। और ये भी अंडे आए हैं गाइस ये कैसे आ गए भाई ये किसके हैं। मेरे को शाजल लेके आए सारे के सारे अंडे। चलो इनको भी लगाते हैं अभी। आओ जी आओ खोलते हैं आपको खोलते हैं। आ जाओ चलो 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 भाग जाओ। अच्छा यार स्काई को भी बाहर निकाल दें बेचारा हमारा जो स्काई है ना वो तब से अंदर ही पड़ा हुआ है। इसको भी ज़रा यार धूप लगवाते हैं। जैकी साइड पे हो जा बेटा। चलो 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 ये लो स्काई इधर बैठो आप इधर सन बात लो आप सोने बच्चे। देखो यार कितना प्यारा होता जा रहा है दिन ब दिन। और ये देखो फिशेस का टैंक भी जो है ना गाइस हमारा वो इधर होना चाहिए था और इधर आया हुआ है। और दिस इज़ अ कॉज फॉर कंसर्न क्योंकि हमें अब इनका पानी ज़्यादा भरना पड़ेगा और एक कम अज़ कम तीन या चार जग ले जाएंगे। तो खैर ऊपर जाते हैं ज़रा सबसे पहले और ना शाजल से पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है। उसको तो देखें सुबह का छत के ऊपर बैठा हुआ है मुझे तो नज़र ही नहीं आया घर के अंदर। ऊपर चलते हैं देखते हैं क्या कर रहा है। हाँ जी आप भी आ जाओ आपने तो सबसे पहले जाना होता ना साशु पिटाटू ने है। चलो जाओ आप खुला हुआ क्या कर रहे हो हैं? अपने चूंगे में जो चार कबूतर हैं वो खोल के बैठो। लूना कहाँ पे अपनी अंदर बंद कर दी। ओ लूनू आपको इधर क्यों बंद किया हुआ है उन्होंने। ओ लूना बच्चा ओ क्या हुआ। ओए साशु की तरह से ना गाइस हमने इसको बंद किया हुआ है। साशा जो है ना बेशक इतनी बड़ी है लेकिन क्या मसला है इसका ये भाईजान लूना से बहुत ज्यादा डरती है। नहीं इसको फिरते रहने दो ये तो उनको छेड़ती नहीं है। टर्की को खोल दे। लूना चुप करो बेटा चुप हमें टर्की को खोलने दो। चलो जी खोलो। हाँ क्या हुआ जिस तरह ये पंजे मारती है मुझे तो ये डर है जाली ना फाड़ दे। नहीं जाली कहीं भी नहीं जाती है 18 गेज की गाइस जाली जलवाई है। अच्छा काफी सारे लोग मुझे कह रहे थे यार आप मुझे बताओ कितना एक एस्टिमेट आया इस पूरे पिंजरे के ऊपर। तो यार हमारा टोटल इसके ऊपर जो लगा है कितना लगा है 14,500 रुपए के ये बने थे खाली एक ये फ्रेम और एक ये फ्रेम। ठीक है मजदूरी निकाल के जो मटेरियल इस पे लगे थे ये कैन के लकड़ा काफी तेरी चुप कर क्योंकि ये काफी महंगी है। हाँ ये वो है जर्मन केल है गाइस ये इसको ना दीमक लगती है ना ये टेढ़ी होती है। इट्स ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग वुड तकरीबन प्लास्टर ये सारी चीजें सब कुछ मिला के हमारा कोई 37,000 लगा सिर्फ और सिर्फ इन फ्रेम्स का। बाकी अगर आप पीछे वाला सारा मिला दें ये दीवारें वगैरह प्लास्टर वगैरह सब कुछ तो टोटल हमारा 81,000 लग चुका है। 81,000 चलो यार आजो बाहर आजो टर्की बर्ड्स। गाइस नाम हमने इनका रख लिया है आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे नाम सजेस्ट किए। ज्यादातर राजा रानी सारे कह रहे थे कि आप हीर रांझा रख लो लेकिन अगर आपको याद हो तो हमारे फिशर्स का नाम भी वही है तो वो हम नहीं रख सकते। लेकिन एक नाम जो मुझे बहुत प्यारा लगा है बहुत प्यारा लगा ना वो था वो डोरेमोन के जो मेन कैरेक्टर थे ना उनका नाम और वो था कौन सा था शाजल शिजुका और नोबिता। हाँ तो ये गाइस आज से हमारा नोबिता और ये जो इसकी मिसेज है ना ये हैं शिजुका। ओके नोबिता और शिजुका और फिर रहे देखो कैसे कितने प्यारे माशाल्लाह लग रहे हैं। तो अभी नीचे जाना है और मछलियों का पानी चेंज करना भाई खत्म हुआ होगा। खत्म हो गया हाँ जी क्यों इतना ज्यादा खत्म हुआ है सारा तो नहीं खत्म हुआ इतना खत्म हुआ। इनको बंद करो इन्होंने बहुत आवारागर्दी कर ली है ठीक है इनको बंद कर दो आप इनको आप ले आओ मैं इतना तार वगैरह लगा डा 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 पानी डी 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 सर मुझे नहीं पता डा कहते हैं डी कहते हैं यार मैं तो आ आ आ आ आ आ मुर्गियों करते हैं ना देसी मुर्गियों आ आ आ आ ओ भाई क्या हो रहा है
ये कम्युनिकेशन हो रहा है भैया। अच्छा शाजिर इनका पानी बदलते आना, ठीक है? ठीक है मैं जा रहा हूँ नीचे। चलो ओके की काका अंदर चलो, अंदर चलो, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, चलो 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 अंदर अंदर चलो अंदर अंदर चलो 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 कैकी अंदर चलो, बदतमीज कैकी ना हो तो। चलो मूसा भाई, हाँ आज आपके लिए दो दो खुशखबरी हैं। क्या? पहली खुशखबरी तो ये कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे फिशेस दोबारा ब्रीड पे आ चुकी हैं, बाकी अंडों पे आ गई है फीमेल। अच्छा और दूसरी खुशखबरी आपके लिए ये है कि हमने अभी जाना इधर से, एक दोस्त है मेरा उसके फार्म के ऊपर। अच्छा उसके फार्म पे ये सीन है कि पाकिस्तान का कोई बर्ड नहीं है, वो इम्पोर्ट करवाते हैं बाहर से, फैंसी ब्रीड कह लो या कॉमन ब्रीड, अच्छे खासे महंगे कबूतर है उसके पास। अच्छा इतने हाथ जितने बड़े बड़े कबूतर है, इतने बड़े और बहुत प्यारे प्यारे, आप देख रहे हैं एक एक म्यूटेशन का अलग अलग पोर्शन मिला है जिसके अंदर 50-50, 100-100 पीस घूम रहा है। चलो यार ऐसा करते हैं इधर से निकलते हैं, वाइंड अप करते हैं और उनको जाकर कबूतर देखते हैं। दिल की चीजें भी उधर होंगी। क्या? बेल्जियम शेफर्ड तकरीबन 8-9 है। चलो 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 जल्दी करो जल्दी करो। ये क्या मुंह में डाला हुआ है तुमने? जो जो जेली। चलो शान भाई बुआ खोल दो। तो गाइस हम आ गए हैं इनके पास और ये इनका नाम है शान भाई। शान भाई जी, शान भाई असल में शान भाई। शान भाई अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं शान भाई? फिट हैं? अच्छा गाइस ये जो भाई हैं ना ये भी यूट्यूबर हैं यार, तो इनके भी चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर देना। क्या नाम है चैनल का भैया? मुज़ैक। तो गाइस आज हम इनके सेटअप पे आए हैं और ये शाजिल भाई के दोस्त हैं, उनके चाचा के दोस्त हैं, मेरे चाचू के दोस्त, चाचा के दोस्त, चाचू के पार्टनरशिप में काम करते, पार्टनरशिप में काम करते हैं कबूतरों की। तो यार इनका भी सेटअप काफी अच्छा है, काफी अच्छी चीज है। इन्होंने डॉग्स भी रखे हैं बेल्जियन शेफर्ड, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये है वो बेल्जियन शेफर्ड, इनकी हालतें थोड़ी सी टाइट हुई है। वो बता रहे थे कि यार मैं इधर था नहीं, इस वजह से ना इनका उधर खाना पीना इनका थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन इधर लाओ छोटे बच्चे। ये देखो ये बेल्जियन शेफर्ड ऐसा होता है, मैक्सिमम इस साइड पे जाता है, ये इस साइड पे जाएगा, ठीक है? वो उनके डैडी जी खड़े हैं। इनका नाम क्या है काले वाले का? रेवन। रेवन गाइस, रेवन नाम है इनका और ये पता नहीं पड़ता कि नहीं, लेकिन आंखें देखो कितनी प्यारी है इसकी। हेलो रेवन, ओए दुमला आ रहा है, ओके कर रहा है, अपने बच्चों के साथ खेल रहा है। इनकी मामा कहाँ पे है? इनकी मामा सेल कर दिया, सेल कर दिया। हाय बेचारे, ओए कैसे खेल रहे ओए ओए तोड़ोगे 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 सारा कुछ तोड़ोगे, क्या कर रहे हो ओए यार। ओए देखो 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 देखो, अच्छा इसको गाइस कहते हैं टग ऑफ वॉर, ये रस्सा कशी वाली इनकी गेम होती है जो कर रहे हैं। बेटा बाप के साथ लगाओ, ये ध्यान कर बेटा, शिकारी होते हैं। हाँ ये शिकारी होते हैं। खैर गाइस जिस चीज के लिए हम इधर आए हैं वो है कबूतर्स, और हमें कबूतर, मुझे कबूतरों को कुछ नहीं पता, शाजिल भाई को पता है। शाजिल भाई बताओ जरा कहाँ से शुरू करना, उधर से ये पूरा ये है, अंदर कमरे है, उसके अलावा उधर भी कमरों के अंदर है, इधर भी कमरों में है। कहाँ से शुरू करें? वहां से कर लो। ओके ओके, ये वाला पहला पोर्शन है, बताओ इसका। ये है सैडल। सैडल सैडल खोल लूं इसको? हाँ ये खोल लो इसको। गाइस हमें अंदर जाना पड़ेगा कहीं ये ना उड़ ना जाए, ये भी बड़ा मसला होता है भैया। अच्छा तो ये है सैडल। ये सैडल और यार कितने प्यारे हैं यार, माशाल्लाह। तो यार अब आगे जाके देखते हैं अगर आगे क्या सीन है। हमें लॉक कर दिया गया केज के अंदर क्योंकि जो कबूतर है ना वो उड़ सकते हैं भैया। ओके मूसा भाई, ये तो है इतने कुछ खास नहीं, सही अच्छे नॉर्मल है, मगर ये जो बैठे हैं ना ये बहुत प्यारे हैं। करबलाई। करबलाई? करबला से? करबलाई। इनका पूरा यहाँ से आप देखो ऐसे दिल बना होता नहीं, क्या करबला से आते हैं ये? इराक से। इराक से। ये पाकिस्तान की कोई भी म्यूटेशन नहीं है इसके अंदर, ये सारी बॉर्डर से क्रॉस होती है फिर आती है, इधर आती है। ओके ओके दिखाओ तो सही, एक पीस निकाल के दिखाओ। ये है करबलाई। अच्छा तो फ्रंट से वाइट होते हैं, फ्रंट से पूरा ये दिल बनाता है देखो। नाइस यार, बड़ा प्यारा है माशाल्लाह। ये है करबलाई। सही। अच्छा शाजिल एक चीज तुमने देखी है इधर? ये देखो दकनी तितर फिर रहे हैं। दकनी है ना ये भैया? दकनी है ये? जी जी दकनी है। भाई को भी ड्रिप लगी हुई, हालत टाइट है भाई की। क्या हुआ है आपको? बुखार। ओहो, वो कबूतर दिखाओ जिनको देख के मुझे लगे कि अच्छा कबूतर है। सर जी इस खुड्डे के अंदर आओ, इस खुड्डे के अंदर सारी फैंसी ब्रीड है, पक्की बात है। ऐसे फैंसी लवर हो? हाँ मुझे फैंसी पसंद है यार। मुझे गाइस देखो ना, अब इन कबूतरों का मुझे नहीं पता ये क्या चीज, मुझे सिर्फ कबूतर लग रहे हैं, कॉमन कबूतर लग रहे हैं, लेकिन अब मुझे इसको देख के देखते हैं क्या पता चलता है कि कुछ है कि नहीं। क्या चीज है इधर भैया? इधर टोटल ही फैंसी ब्रीड है। अच्छा यार कितना बड़ा कमरा, देखो गाइस कैसे इन्होंने लगाया। ओए यार इतने सारे कबूतर, कबूतरों की जन्नत।
ओए सारे सारे बस बस बीठे ना कर देना मेरे पे यार, बीठे ना कर देना भैया। आए हाय अंत मची हुई है भाई, फार्मिंग करते हैं ये। ओए ये क्या चीज है, माशाल्लाह इसकी कितनी बड़ी बाम होती। पाँव इसी नीचे रखो ना, छोड़ो इसको, देखो इसका। ये देखो गाइस कैसा है यार, देखो पूरा पाँव जो है इसके चूजली की तरह भरे हुए हैं, कबूतरों का चूजली। जाओ इसको छोड़ो इसको, जाओ बेटा भाग जाओ। ओ भाई कहाँ गए। ये देखो गाइस, मैं करीब से दिखाता हूँ आपको। ये देखो कितनी बड़ी बाम्बूजिंग है। ओ एक छोटू सा भी है, ये कौन सा है शादल? ये लाल शराजी अपने जैक का रिश्तेदार। गाइस छोड़ दो, परे हो जाओ, मुझे मेरी चीज मिल गई है। ये देखो गाइस फ्रिल कहते हैं, फ्रिल बैग कहते हैं फ्रिल यार। इसको एक को पकड़ना शादल, एक को तो फर्म में। ये क्या चीज है, ये भी प्यार है। अब देखो ना गाइस, ये होती है चीजें जिनको देख के ना समझ आती है अच्छा यार कोई चीज रखी हुई है। कितने प्यारे हैं यार, मुंह देखना इसका कितनी तरह से वो है। नाइस। ये देखो यार, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। और ये देखो इनके परों के ऊपर कैसे टेक्सचर है, और ऐसे लगता है जैसे अननेचुरल है, लेकिन ये नेचुरली इनके ऊपर होता है, बहुत प्यारा लगता है। इसको इधर छोड़ना, जरा छोड़ना शादी, हल्का बिठाओ दो इसको। ये देखो कितना प्यार है यार, माशाल्लाह। अंसा भाई क्या हुआ? ये सर आप देवी भाई के साथ नहीं आए हुए, मेरे साथ आए हुए हो। जो मर्जी फ्रिल पसंद कर लो, जो मर्जी कबूतर पसंद कर लो, लेके चलते हैं। पक्का? जो मर्जी पसंद कर लो, देख लो मैंने उठा लेने हैं। हाँ, जो मर्जी पसंद कर लो, मुझे फ्रिल चाहिए। ओके मुझे फ्रिल चाहिए भाई। ओके फ्रिल चाहिए जल्दी करो मुझे। अब प्यारे प्यारा फ्रिल उठा के दो बैठे हुए, एक ये और एक ये, उठा लो। ये टोटल फ्रिल है, आप देख लो पहले, उसके अलावा लक्का भी है। लक्के छक्के को छोड़ो, फ्रिल चाहिए मुझे। फ्रिल दो है, एक वो है। हाँ, एक वो ले, एक वाइट लो बस, मुझे चाहिए अभी। मैं खुद हूँ, मुझे ओ पकड़ लिया। यार कितना प्यारा है ये, आराम से प्यारे बच्चे को आराम से। गाइस देखो कितना माशाल्लाह प्यारा है। ओके व्हाइट फीमेल व्हाइट, एक ये बैठा हुआ है, एक ये ऊपर गया है, ये मेल है। ओके थोड़ा बीमार है। ओके कोई भी पकड़ लो, फ्रिल होना चाहिए बस मुझे भाई, फ्रिल चाहिए आज। इन दोनों में से जो मर्जी बता दो। वो वाला व्हाइट ज्यादा वो है, इधर वाला। हाँ इधर वाला, ये वाला। हमारे पास गाइस अब ये हमारे फ्रिल्स आ गए, कितना प्यारा है यार। अच्छा सनलाइट में ज्यादा प्यारा लगेगा, देखो व्हाइटी। और सर जी ये जो रेड वाला है, ये रिंग बर्ड है। वो क्या होता है? जिस तरह हमारी मुर्गियों के अंदर रिंग बर्ड होता है, कान पे टैग लगे होते हैं। अच्छा ये इम्पोर्टेड होते हैं? ये सारा इम्पोर्टेड माल है। और देखो गाइस का साइज भी बड़ा उससे। गाइस हमने अपने कबूतर पसंद कर लिए, जो कि आज हमने अपने घर लेके जाने। वो कहाँ चढ़ा हुआ है यार, देखो काफ, देखो कहाँ चढ़ा हुआ है। ओए स्वीटी बोबो क्या कर ले हो, भूख लगी आपको? ओहो स्वीटी बोबो पर चला हुआ हमारा, शर्मा गया। शर्मा नहीं गया, ये पूरी रात ऊपर छत पे फिर पे ऊपर। अच्छा आजो भाई हमारे कबूतर ले आओ। गाइस ये था हमारा पूरा राउंड, अब हमारे जो कबूतर है ना वो पैक हो रहे हैं और ये अपने घर में लेके जा रहे हैं। ठीक है चलो चलिए। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करिएगा। अगर ज्यादा पसंद आ जाए तो जनाब सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।